नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आपने टाइटल देख के निश्चित रूप से इस वीडियो को क्लिक करा होगा। बड़ा ही अनोखा वीडियो है ये। इस वीडियो में जो मोहब्बत में प्यार में धोखा खाए लोग हैं, प्यार उनका सक्सेस ना होने के कारण जो दुखी लोग हैं, यह वीडियो उनके लिए है। आपको इसके बारे में दवा तो बता ही जाएंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। आपको प्यार में जो आप चाहते थे मोहब्बत में, वो आपको नहीं मिला और आपको उससे दुख पहुँची, ठेस पहुँची। इस ठेस से उभरने के साथियों एक रास्ता है, और वह रास्ता है कि आप उम्मीद छोड़ दें। जब आप अपने सामने वाले से उम्मीद छोड़ देते हैं तो आप फिर दुखी नहीं होते। इस दुनिया में आप अकेले आए हैं, आपको अकेले जाना है। ना कोई आपके साथ आया था, ना कोई आपके साथ जाएगा, ना आपके कर्म का कोई भागी है। अपने जो आपके अमाल हैं, आपके जो कर्म हैं, आपके जो कार हैं, वह ही आपके साथ हैं, वह ही आपको ऊपर या नीचे ले जाएंगे। आपको कोई भी असर नहीं डाल सकता। चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, बाज़ार में आप कुछ पसंद करते हैं, कभी कभी होता है आपने कोई कपड़ा पसंद करा, कपड़े को आपने पसंद करके साइड में रख दिया। साइड में क्या, वहाँ जहाँ से आपने पसंद करा वहाँ पे उसको थोड़ा सा किनारे करके एक चिन्हित करके रख दिया, ये शर्ट हमको लेनी है। आप दो पल और कपड़े देखने के लिए चले गए, सोचा कि स्कीम को क्लब करके ज़्यादा कपड़े ले लेंगे। इतने में कोई अगला व्यक्ति आया, उसने जो आपने शर्ट बड़े दिल से 5-10 मिनट लगा के पसंद करी थी, उसके विषय में चर्चा करके पसंद करी थी, वह शर्ट वो ले गया और आप कुछ बोल नहीं पाए। अगर आप सेल्स बॉय के पास या मैनेजर पास गए भी, उसने कहा साहब के आपके हाथ में तो थी नहीं, आपने छोड़ दी, अब दूसरे ने उठा ली, तो हम क्या करें। और आप उस पर भी दुखी हो जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आप तसल्ली कर लीजिए कि वो शर्ट आपकी थी ही नहीं। ये शर्ट एक बहुत छोटी बात है, जीवन एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन दोनों में एक समानता है। वो समानता यह है कि जो आपका नहीं था वो आपको नहीं मिला। तो साथियों, अगर आपको जो है वह कुछ ना मिलता हो तो उसके लिए कतई अफसोस ना करें। मान ले वो आपका नहीं है, उसके लिए दुखी ना हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों, जब कोई चीज़ आपसे छूटती है तो उससे बेहतर चीज़ आपको मिलती है। ये मेरा निजी तजुर्बा है। मोहब्बत में तो नहीं है, लेकिन जीवन में है। आपको जो छूटता है, हम छोटा क्लिनिक छोड़े नहीं बैठे तो हमको बड़ा क्लिनिक मिला। अगर छोटे पे बैठ गए होते तो छोटे पे ही बैठे होते। तो आपको जो है वहाँ तसल्ली रखनी है। अगर आपको मोहब्बत में धोखा मिला है और ये मान लेना है वो चीज़ आपकी थी ही नहीं, जाने वाले को कौन रोक सका है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या कर दी, तब तो वो किसी को रोक नहीं पाए। जिसको ऊपर जाना है वो ऊपर गया, जिसको आपसे दूर जाना है वो आपसे दूर गया, जिसको आपसे नाराज होना है वो आपसे नाराज हुआ। तो आप अपने मन से पहले जीत लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं अब होम्योपैथिक दवाएं। यह दवाएं आपको तनिक कुछ ना कुछ राहत जरूर दे देंगी आपके डिसअपॉइंटेड लव की कंडीशन में, आपकी यह परेशानी जो आप में है। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको 10 कारगर दवाएं, या यूँ कहूँ 5 कारगर दवाएं होम्योपैथी में, जो आपकी मोहब्बत में हुए धोखे को खत्म करके आपको तसल्ली देंगी। साथियों, मोहब्बत में धोखा खाए व्यक्ति की सबसे कारगर दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। आप एसिड फॉस 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आप प्यार मोहब्बत में धोखा खाए हों और अब आपको बहुत कमज़ोरी आती हो। दिमागी तौर पे आप बहुत जल्दी थक जाते हो, दिमागी तौर पे आप अपने को शिथिल महसूस करते हो, कमज़ोर महसूस करते हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इसकी दवा एसिड फॉस्फोरिकम है। आप एसिड फॉस 30 दो बूंद दिन में 3 बार लेके अपने दिमाग को इतना मजबूत कर सकते हैं कि ये बातें आप पे हावी ना हो। एक स्थिति साथियों महिलाओं में आ सकती है कि अगर उनका दिल टूटा हो, अगर उनको अपने प्यार मोहब्बत में डिसअपॉइंट हुए हों, अब उनको जो है वो पीरियड बंद हो गया हो, इतने ज़्यादा दुखी हो कि उनको पीरियड ना आता हो, मेंसेस ना होता हो, अगर वह स्थिति है साथियों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हेलीबोरस नाइगर। आप हेलीबोरस 200 पाउच में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपको जो डिसअपॉइंटेड लव मोहब्बत
आपको ना मिल पाने के कारण जो आपके पीरियड रुक गया है, यह दवा उसको ठीक करके आपके पीरियड के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करेगी। एक साथी में स्थिति किसी के सामने आ सकती है कि उनको अपनी प्यार मोहब्बत ना मिली हो और अब वो आत्महत्या करना चाहते हों, डूब के मरना चाहते हों, नदी में कूद जाना चाहते हों, कुएं में कूद जाना चाहते हों, इस तरह की अगर स्थिति हो या मैं कहूँगा इस तरह की बेवजह की फालतू स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा हायोसाइमस है। आप हायोसाइमस 200-200 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी है जो सुसाइड करने की टेंडेंसी है प्यार मोहब्बत में हासिल ना होने के बाद, तो हायोसाइमस आपको ठीक करेगी, आपके डिसअपॉइंटेड लव को ख़त्म करेगी और आपको आगे की जीवन की लड़ाई के विषय में आगे बढ़ाएगी। एक स्थिति साथियों आती है डिसअपॉइंटेड लव की कंडीशन में प्यार मोहब्बत ना मिल पाने कारण, खास तौर से लड़कियों में, कि वह बिल्कुल साइलेंट ग्रीफ में रहती हैं। उनको अपनी मोहब्बत हासिल नहीं हुई और उसके बाद वो साइलेंट ग्रीफ में, किसी से बात नहीं करती, किसी के साथ उनको रुकना पसंद नहीं है, किसी महफिल में जाना पसंद नहीं है, किसी फंक्शन में जाना पसंद नहीं है और हर समय दुखी बनी रहती हैं। तो अगर यह स्थिति साथियों है कि एक दुख का दिल में एक बोझ लेके चल रही हो, वो उन महिलाओं बच्चों के लिए बहुत कारगर दवा है डिसअपॉइंटमेंट लव की इग्निशिया अमारा। आप इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके डिसअपॉइंटेड लव को ठीक करेगी, मेंटल स्थिति को, और आपको आपका जो वास्तविक जीवन का चक्र है उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। एक स्थिति आती है साथियों जब आप किसी से दिल लगाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं उसके प्यार मोहब्बत में, लेकिन फिर भी आप उससे अलग नहीं हो पाते हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा, जो हमारा था ही नहीं वो हमारे पास कैसे, जो चला गया वो अपना था ही नहीं। तो उस स्थिति की बहुत कारगर दवा है, उसको भुलाने की बहुत कारगर दवा है, उस जीवन चक्र के समान साइकिल में शामिल होने की बहुत कारगर दवा है नैट्रम यूरेटिकम। नैट्रम यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर हर वो व्यक्ति ले सकता है जो अपने प्यार मोहब्बत को भुला ना पा रहा हो, उससे निकल ना पा रहा हो, उस वक्त से निकल ना पा रहा हो। नैट्रम यूर दवा उसको निकालेगी और उसको जो वास्तविक इस समय की जीवन है उसमें मुख्य धारा में लाएगी। ये साथियों को दवाएँ थीं आपके टूटे दिल को सांत्वना देने की। देखिए वक्त एक ऐसा हीलर है, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े घाव भर देती है। बड़े बड़े लोग पुराने वक्त को भूल के आगे के ऊपर चलते हैं, तो आपके साथ भी जो होगा अच्छा ही होगा। इस दवा से मैंने प्रयास करा है आपको कुछ राहत दे पाएँ। हम दुआ करते हैं कि आपकी मुश्किलें आसान हों, आपकी तकलीफ़ें कम हों। साथियों अगर यह आपको बात ठीक लगी हो तो मैं इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य साथियों को इस चैनल से जोड़िएगा। आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।